ओके सुहैन, सो वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन आरसीसी। आरसीसी के हम क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियसली ईएससी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको यूपीपीएससी एई के लिए। यूपीपीएससी एई में वन लाइनर ईएससी के काफ़ी पूछने की संभावना है और एसएससी जेई में तो काफ़ी कुछ पूछा ही जाता है ईएससी का। तो हम ईएससी का एक मतलब सीरीज़ चलाएंगे ईएससी के क्वेश्चनों की, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो ईएससी के एक्सपेक्टेड होंगे, जो कि आएंगे, आ सकते हैं यूपीपीएससी एई में या जेई में, तो वो हम कवर करेंगे सारे। तो हम आरसीसी से स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू का पार्ट, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे आप खुद पॉज करके इसको ट्राई करिए कि आप खुद से आंसर कर पाएँ, ठीक है। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बेटर होगा, और नहीं कर पाते हैं तो सॉल्यूशन आप बताया जाएगा, पेशेंस रखिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रीइंफोर्स फ्लेक्सुलर मेंबर्स आर डीपर आर स्टिफर कैन अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन। अब इस कह रहा है कि जो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होता है ना, तो इन्होंने कहा है कि वो डीपर होता है, स्टिफर होता है और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन उसमें हो सकता है, थर्ड पॉइंट में कहा है इन्होंने। तो इसमें से आपको ये पता करना है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको पता चलना इनमें से कौन सा सही है। तो हम देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर स्टिफर है, कोई भी चीज़ अगर स्टिफर है, ठीक है, तो उसका ई एन बाय एल और बेसिकली वी कैन से आई आई जो होगा उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वो काफ़ी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, वो ज़्यादा होगा। अगर आई ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आई ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि स्टिफनेस ज़्यादा है, ठीक है। अब आई ज़्यादा तो है, बट आई ज़्यादा होता कब है, जब भी डेप्थ ज़्यादा होगी सेक्शन की। तो आपको फॉर्मूला पता है कि बी डी क्यूब बाई 12 होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूला, बी डी क्यूब बाई 12। तो आप क्या पता कर सकते हैं कि हाँ अगर डेप्थ ज़्यादा है तो आई ज़्यादा है, और अगर आई ज़्यादा है तो स्टिफनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो अब किस सेक्शन की डेप्थ ज़्यादा होती है ये आपको कैसे पता चलेगा और कैसे आप कहेंगे कि यार इस सेक्शन की डेप्थ ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में जो मतलब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है वो कम होती है, ठीक है ना, बैलेंस सेक्शन की अपेक्षा। तो अगर न्यूट्रल सेक्शन की वो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ अगर कम है, इसका मतलब क्या है कि जो कंप्रेशन का जो कंक्रीट है वो काफ़ी कम है ना, कंप्रेशन का कंक्रीट कम है। अब आपको अगर कंप्रेशन में जो कंक्रीट कम है तो आपको डीपर सेक्शन चाहिए पड़ेगा। क्यों चाहिए पड़ेगा भाई डीपर सेक्शन, क्योंकि जितना ज़्यादा लीवर आर्म होगा, जितना ज़्यादा लीवर आर्म होगा उतना ही ज़्यादा आपको उस सेक्शन का मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेस कंक्रीट, मतलब कि कंक्रीट जो कंप्रेशन साइड में कंक्रीट कम है, तो उसके क्या कारण क्या हो रहा है कि लीवर आर्म कम हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा ओवरऑल लीवर आर्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में जो अपन फाइनली कह सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर बेंडिंग मूवमेंट कीपिंग दी विथ सेम, अगर आप विथ को सेम रख रहे हो, ठीक है ना, कीपिंग दी विथ सेम, जो डेप्थ होती है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में वो ज़्यादा होती है बैलेंस सेक्शन से, हैं, और बैलेंस सेक्शन की डेप्थ जो होती है वो ओवर रीइंफोर्स से ज़्यादा होती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको हमको पता चल गया है कि डेप्थ ज़्यादा है, डेप्थ अगर ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन उतना ही स्टिफर है। डेप्थ ज़्यादा है मतलब आई ज़्यादा है, और आई ज़्यादा है मतलब ई आई बाई एल ज़्यादा है, मतलब स्टिफनेस उसकी उतनी ही ज़्यादा है। तो ये पॉइंट वही बताता है कि स्टिफनेस इज मैक्सिमम इन केस ऑफ अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट वी हैव, अब क्या होता है कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में
जो डिफ्लेक्शन होता है सर्विस स्टेज में, मतलब कि जब सर्विस लोड चल रहा है उस पर फेल्योर से पहले सर्विस लोड चल रहा है, सर्विस लोड जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है वो काफ़ी लेस होता है। बट एट द टाइम ऑफ फेलियर, फेल्योर के टाइम पे क्या होता है कि डिफ्लेक्शन अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है भाई? क्योंकि इस अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में जो होता है हाई डक्टिलिटी होती है, तो हाई डक्टिलिटी के कारण क्या होता है कि वो चेतावनी नहीं देता, मतलब चेतावनी काफ़ी पहले दे देता है कि फेल्योर हो गया है। अब क्या हो रहा है, उसमें ईल्डिंग चलती रहती है सेक्शन में, ठीक है, ईल्डिंग चलती रहती है, तो सडन फेल्योर नहीं होता है, उसमें डक्टिलिटी रहती है सेक्शन में, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्शन होता रहता है, डक्टिलिटी के कारण, ठीक है ना। सो दिस इज़ दी पॉइंट। नाउ व्हाट इज दी ऑप्शंस गिवन? तो अभी अपन ने देखा कि जो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन होते हैं वो डीपर होते हैं, पता है अपने को, डीपर होते हैं, स्टफर होते हैं क्योंकि भाई डीपर होते हैं तो स्टफर इसलिए होते हैं क्योंकि ई आई बाय एल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, कैन अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन, हाँ जाते हैं भैया क्योंकि उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो अपने पास क्या हो जाएगा, सारे करेक्ट हैं इसमें, 1 2 3 सारे करेक्ट हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज, है ना, तो ये क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज इक्वल टू डेट ऑफ माइल्ड स्टील, ये आपको याद रखना है। और ये होता कितना है, 2 × 10⁵ होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यील्ड स्ट्रेस ऑफ ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार्स आफ्टर ट्विस्टिंग टू अ पिच ऑफ अबाउट 9 to 12 mm डायमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आपने एक ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील का बार लिया, ठीक है, एक ट्विस्टिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, ट्विस्टिंग प्रोसेस के कारण क्या होता है कि वो कह रहा है कि आप ट्विस्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील बार में जो, हाँ, अगर जो पिच है वो इंक्रीज 9 to 12 डायमीटर तक पिच हो रही, तो क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यील्ड का स्ट्रेस का इंक्रीमेंट इसमें 50% से 100% के बीच में हो जाता है, ठीक है ना, 50% से 100% के बीच में इसका इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यील्ड स्ट्रेस का जो इंक्रीमेंट है, अगर ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार्स हैं उसको आप ट्विस्टिंग करके ट्विस्टेड माइल्ड स्टील बार्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू है वो 50 से 100% तक इंक्रीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्क्रीटिंग, हाँ, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॉन्क्रीटिंग बोथ द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कंसीडरिंग बोथ द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट। सो फर्स्ट इज प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, एंड सेकेंड इज दी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड। ये आपको पता है, ये आप अगर कोड में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो प्रोविज़न हैं ये तीनों मेथड के लिए अप्लाई होते हैं, लिमिट स्टेट के लिए भी अप्लाइड होते हैं, ठीक है ना, सेकेंड जो है अल्टीमेट लोड मेथड के लिए भी अप्लाइड होते हैं, और तीसरा होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये जो दो अजम्पशन होते हैं ये तीनों में अप्लाइड होते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन इग्नोर ही करके चलते हैं डिज़ाइन में, ठीक है ना, और प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इस कंक्लूजन के कारण ही अपन क्या कहते हैं कि जो अपना स्ट्रेन हो रहा है वो जो होता है अपना लीनियर होता है, ये आपने देखा होगा कि जो लीनियर स्ट्रेन होता है वो इसी के कारण होता है ना, सेक्शन में, कॉन्क्रीट सेक्शन में, ठीक है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन केस ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड सिंकरेज, ठीक है,
कैन बी इग्नोर्ड इवन एट द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, कैन बी इग्नोर्ड एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इनलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस्ड, कैन बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड इफ द प्रॉप्स आर रिमूव्ड आफ्टर 28 डेज, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज इन द इनसाइड टू कॉन्क्रीट हैज नो इंट्रैक्शन ऑन द स्ट्रेसेस इन द प्रीकास्ट कंपोनेंट एट एनी स्टेज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन केस ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड सिंकेज, आप क्रीप और सिंकेज का इफेक्ट कहाँ पर लेते हैं, तो क्रीप और सिंकेज का इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आप इसका यूज होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन के समय आप क्रीप और सिंकेज के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। बट क्या होता है कि जब आप लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स को कंसीडर करते हैं तब जो है क्रीप एंड सिंकेज की जो वैल्यू होती है काफ़ी कम होती है और आप क्या करते हैं वो इग्नोर कर देते हैं जनरली। तो इसका जो ऑप्शन है अपने पास वो जनरली बी मैच करता है कि कैन बी इग्नोर्ड एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इन इलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस्ड। वहाँ पर इलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस्ड नहीं होता, इन इलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइन्फोर्समेंट इन ए रीइन्फोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन लीड्स टू। अब देखिए होता क्या है कि अगर किसी बीम को आपने क्या किया है रिस्ट्रेंड करके रखा है, अगर फ्रीली फ्री छोड़ के रखा है तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा टेम्परेचर कारण। बट आपने दोनों साइड से उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रेंड कर दिया। क्या कर दिया आपने, रिस्ट्रेंड कर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही टेम्परेचर का चेंज होगा इसमें क्या होगा कि एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रेक्शन होगा। अब उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन के कारण क्या होगा, क्रैक्स आना चालू हो जाएंगे। बट होता क्या है कि जो क्रैक्स होते हैं वो रेजिस्ट करता है अपना रीइन्फोर्समेंट। अब रीइन्फोर्समेंट जहाँ पर भी ज़्यादा होता है, रीइन्फोर्समेंट जहाँ पर भी ज़्यादा होता है वहाँ क्रैक्स क्या होते हैं। अगर रीइन्फोर्समेंट अपना क्या है ज़्यादा है तो क्रैक्स वहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, क्रैक्स क्या होंगे, कम होंगे। बट अगर रीइन्फोर्समेंट क्या है, कम है कहीं पर, रीइन्फोर्समेंट अगर अपना कहीं पर कम है तो क्रैक्स क्या होते हैं वहाँ पर, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, सिंकेज क्रैक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रीइन्फोर्समेंट इन रीइन्फोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन लीड्स टू श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। ओके, आपको याद रखना है श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फ्लेक्सुरल कॉलेप्स इन द ओवर रीइन्फोर्स बीम इज ड्यू टू। ठीक है, ओवर रीइन्फोर्स बीम में फ्लेक्सुरल कॉलेप्स जो हो रहा है ओवर रीइन्फोर्स बीम में वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, प्राइमरी टेंशन फेलियर और बॉन्ड फेलियर। होता क्या है ओवर रीइन्फोर्स बीम में, ओवर रीइन्फोर्स बीम में अगर है तो उसमें रीइन्फोर्समेंट ज़्यादा होता है। अगर रीइन्फोर्समेंट ज़्यादा है तो पहले फेल क्या होगी, पहले कॉन्क्रीट फेल हो जाती है। ठीक है ना, रीइन्फोर्समेंट क्योंकि आपने भर भर के डाल दिया है। ठीक है, तो अब जब फेल्योर होगा तो क्या होगा, सबसे पहले कॉन्क्रीट फेल करेगी। और अपन कॉन्क्रीट के फेल्योर को ही आरसीसी में क्या मानते हैं, फेल्योर ऑफ द सेक्शन मानते हैं। ठीक है, अब कॉन्क्रीट का जो फेल्योर होता है वो सडन फेल्योर होता है और उसी सडन फेल्योर को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर। ठीक है, आपको याद रखना है उसी सडन फेल्योर को अपन लोग प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर बोलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इम्प्लाइड इन लिमिट स्टेट डिजाइन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, जो लिमिट स्टेट डिजाइन में जो प्रोबेबिलिटी है फेल्योर की, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ 10^-2, 10^-3, 4 एंड 6, ऑप्शंस वी हैव। ओके, वेट, ओके, जस्ट वेट, सो द सॉल्यूशन इज द स्ट्रक्चर इज एज्यूम टू, सॉल्यूशन देख रहे हैं,
The structure is assumed to fail in LSM if there is a possibility that load exceeds design load. मतलब स्ट्रक्चर का फेल्योर हम कम मानते हैं, दो कंडीशन में मानते हैं स्ट्रक्चर का फेल्योर हम, है ना, कि मतलब या तो जो लोड है वो एक्सीड कर जाए डिज़ाइन लोड से, ठीक है, लोड एक्सीड्स डिज़ाइन लोड, और द स्ट्रेंथ इज लेस देन द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. और जब स्ट्रेंथ जो होती है लेस देन द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, तब अपन लोग क्या मानते हैं, स्ट्रक्चर का फेल्योर मानते हैं. ये साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हो सकती हैं साथ में, ठीक है. अब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लोड एक्सीडिंग डिज़ाइन लोड जो होता है वो 5% होता है, ये आपको कोड के हिसाब से पता है, ठीक है, कि अगर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि जो लोड है वो डिज़ाइन लोड को एक्सीड कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, ये अपने को पता है, कोड बताता है, ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ लेस देन द डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी 5% है, ये भी कोड बताता है. तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर हो जाती है 0.05 इंटू 0.95 प्लस 0.05 इंटू 0.95, ये 5% है जो था, प्लस 5% इंटू 5%, तो इधर से अपने को आंसर जो मिलता है वो मिलता है 0.975. इसको आप अगर ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो एक बार साथ है साथ आता है 10^-2, ठीक है, ओके. सो दिस इज द आंसर, 10^-2 ये अपने पास ऑर्डर आ जाता है, ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन. ओके, द ओवर रीइंफोर्स डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन इज अनडिजायरेबल, ये असर्शन है. एंड द रीजन इज टेंशन फेल्योर ऑफ रीइंफोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन इज सडन. देखिए पहला तो जो है सही है कि ओवर रीइंफोर्स सेक्शन अपन लोग डिजाइन करना नहीं चाहते हैं. क्यों क्यों नहीं चाहते हैं भाई ओवर रीइंफोर्स सेक्शन को अपन डिजाइन करना, क्योंकि उसमें सडन फेल्योर होता है, कॉन्क्रीट का फेल्योर पहले हो जाता है, तो अपने को पता है कोई वार्निंग नहीं मिलती है स्ट्रक्चर के फेल्योर होने की, इसलिए हम ओवर रीइंफोर्स सेक्शन नहीं चाहते हैं कभी भी डिजाइन करना, ठीक है. सेकंड कह रहा है कि टेंशन फेल्योर ऑफ रीइंफोर्स कॉन्क्रीट सेक्शन इज सडन, ये टेंशन फेल्योर नहीं होगा, ये कंप्रेशन फेल्योर होता है, क्योंकि कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन फेल्योर होता है, ठीक है ना, क्या होता है कंप्रेशन फेल्योर, ये जो है अपना कंप्रेशन फेल्योर होगा, ठीक है. ऑफ रीइंफोर्स सेक्शन इज सडन, ठीक है ना. टेंशन फेल्योर जो होता है वो हमेशा स्टील के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि इस जैसे आपने अंडर रीइंफोर्स सेक्शन देखोगे तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि पहले स्टील पहले पहुंच जाता है अपने फेल्योर कंडीशन पे, ठीक है ना, और उसमें टेंशन के ही कारण उसमें फेल्योर होता है. तो मेनली यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन फेल्योर होना चाहिए, रीइंफोर्स सेक्शन इज सडन, क्योंकि कॉन्क्रीट का फेल्योर ही सडन होता है, कभी भी स्टील का फेल्योर सडन नहीं होता है, उसमें यील्डिंग चलती रहती है, ओके. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है भाई, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है. असर्शन रीजन में यही होता है कि पहला आंसर अगर सही है और दूसरा गलत है तो सी, ओके. नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन इज, इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड द इंटरनल स्ट्रेसेस एट द सेक्शन ऑफ मेंबर्स आर कंप्यूटेड फॉर फैक्टर लोड, ओके. फर्स्ट असर्शन ये है, रीजन, इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड द इंटरनल स्ट्रेसेस एट द सेक्शन ऑफ मेंबर आर कंप्यूटेड फॉर फैक्टर लोड, ओके. ओके, ये सेम हो गया है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैंसिल कर देते हैं, कुछ मिस्टेक है मे बी, अब रीजन अलग होना चाहिए था, शायद सेम ही टाइप हो गया, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं. फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ अर्थक्वेक लोडिंग एंड द लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ टॉल बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन, ठीक है, मिनिमाइज ग्रेविटी लोड, एड मासेस एट फ्लोर लेवल्स, एंश्योर डक्टिलिटी एट द लोकेशंस ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट, प्रोवाइड शियर वॉल, प्रोवाइड स्टिल्ट और ग्राउंड स्टोरी. तो इसमें क्या करते हैं अपन लोग, जब भी अपने को देखो एक अर्थक्वेक स्ट्रक्चर है, अर्थक्वेक स्ट्रक्चर में आप जितना भी ग्रेविटी लोड को मिनिमाइज कर पाओ, अगर कोई स्ट्रक्चर आप बना रहे हो,
बना रहे हो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में, तो आप जितना कम ग्रेविटी लोड रखेंगे ठीक है, उतना ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो पहला तो ठीक है कि मिनिमाइज ग्रेविटी लोड, ठीक है, एड मासेस एट फ्लोर लेवल, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। एंश्योर डक्टिलिटी एट द लोकेशंस ऑफ मैक्सिमम मोमेंट, हाँ अगर आप डक्टिलिटी रखेंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर का सडन फेल्योर नहीं होगा, ठीक है ना, वो चेतावनी भी देगा है ना, और क्या होगा कि एक चेतावनी के साथ आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि यार चलो ये होने वाला है, तो आप अपनी जितने भी स्ट्रक्चर को खाली कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ें आपको पता चल जाएंगी पहले से। तो एंश्योर डक्टिलिटी करता है, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, प्रोवाइड शियर वॉल, ये भी सही है, और इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अपने पास जो आंसर मिलेगा इधर से वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मिलेगा। ओके, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेस ब्लॉक यूज्ड इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड इज ऑब्टेन्ड बाय टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट सिलेंडर अंडर यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन। ओके, रीजन इज इफ द यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन इज नॉट अडॉप्टेड, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बियॉन्ड मैक्सिमम स्ट्रेस। तो क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि द स्ट्रेस ब्लॉक, स्ट्रेस ब्लॉक अपने को मिला है, जैसे कि ये स्ट्रेस ब्लॉक आपने देखा होगा कि IS कोड में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये स्ट्रेस जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है कंक्रीट के लिए IS कोड में आपको दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं असर्शन में कि जो लिमिट स्टेट डिज़ाइन में हमने जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कंसीडर किया है, वो हमने टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट मतलब सिलेंडर सिलेंडर साइज का कंक्रीट का स्पेसिमेन लिया है और यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन रखा है, बट ऐसा नहीं है। IS कोड क्या करता है, IS कोड में स्पेसिफाई है कि हमने एक क्यूब को टेस्ट किया है, ठीक है ना, और एक क्यूब को टेस्ट किया है, साथ ही हमने इसको यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन में रखा है, ठीक है, जो रेट ऑफ स्ट्रेन है वो हमने यूनिफॉर्म रखा है। अब क्यों रखा है रेट ऑफ स्ट्रेन यूनिफॉर्म, ताकि हमें बेटर एक्यूरेसी और बेटर कंट्रोल मिल सके, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो भाई इनका गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेंडर है वो अमेरिकन कोड के लिए, अमेरिकन जो कोड्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन सही है, ठीक है ना, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्यूब होना चाहिए, अगर इसका सही होना चाहिए था, अगर क्यूब होता तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन इज नॉट अडॉप्टेड, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द डिसेंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड मैक्सिमम स्ट्रेस। अब होता क्या है कि अगर आपने यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन को रखा है तो क्या होता है कि एट 60 to 70% स्ट्रेस पे क्या होता है कि स्पेसिमेन में क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं, और क्रैक्स आना अगर चालू हो जाते हैं तो स्ट्रेस का जो ये जो कर्व मिलता है ना अपने को, ये जो कर्व मिल रहा है ना, ये कर्व उसी के कारण मिलता है कि स्ट्रेस क्रैक्स आना चालू हो गए हैं अब स्पेसिमेन में, तो जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इफ़ ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन इज नॉट अडॉप्टेड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द डिसेंडिंग पोर्शन, ये डिसेंडिंग पोर्शन की बात हो रही है, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड मैक्सिमम स्ट्रेस। ओके, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पहला तो गलत है, दूसरा सही है, तो डी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, और हम आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे इसके, आप थोड़ा सा सबको देखते रहिए, और क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं UPSCIE के लिए, और पढ़ सकते हैं आप इन्हें। ओके, थैंक यू।